हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ये मेकअप लुक अगर आपके घर में किसी का मेहंदी फंक्शन है तो आप उसमें भी कर सकते हो, या फिर एज अ गेस्ट मेकअप लुक भी आप इसको कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस लुक को कैसे किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ टोनर। टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैं यहाँ पर आंबा हल्दी का टोनर लगा रही हूँ। और आप कोई सा भी टोनर ले सकते हो जो भी आपके पास है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि अभी विंटर है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, सो उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी ये रोज़ हिप का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, और काफ़ी अच्छा सीरम है। और आप देखोगे कि सीरम को लगाने के बाद मेरा फेस एकदम से ग्लो करने लगता है, और आपका जो मेकअप है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। सो आप ये लगा सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्राइमर लगाने के बाद आप तुरंत से बेस न लगाएं, आप थोड़ा सा रुकें, प्राइमर को अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाने दें, उसके बाद ही आप अपना बेस लगाएं। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फाउंडेशन। ये लैक्मी का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला फाउंडेशन। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, और आपके बजट में भी आ जाएगा, तो आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो पहले आप बेस लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो पहले आप आई मेकअप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर लेना। बाकी वीडियोस में मैंने पहले आई मेकअप भी किया है, और बट इस वाले वीडियो में मैं पहले अपना बेस लगाऊंगी, उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए यहाँ पे एक कंसीलर स्टिक है, इसका यूज़ किया है। और जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है मुझे इसका यूज़ करना चाहिए, मैंने वहाँ पर इसका यूज़ किया है इस तरीके से। और उसको भी फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर ब्रश की हेल्प से, जिसे भी आप करना चाहो, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अंडर आई एरिया पर कंसीलर लगाया था उसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट का, और इससे मेरा बेस सेट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिया है ये वाला पैलेट, और इसमें से ये वाला शेड लिया है, और इसको इस तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ वही आप करो, नहीं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है या फिर किसी और दूसरी कंपनी का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी दोनों आईज़ पर लगा लिया है। और आज थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप, आई मेकअप करने की कोशिश की है मैंने। आई मीन थोड़ा सा मैंने कट क्रीज बनाया है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपने वीडियोज़ में ऐसा कुछ मेकअप किया है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, और उसके ऊपर मैंने कंसीलर लगाया है इस तरीके से, और मैंने एक कट क्रीज बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने इस वाली पैलेट में से एक ब्लैक शेड लिया है, और इसको मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, बट हल्का हल्का सा बस प्लेस करना है मेरे को। और मैं जो मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ वो ग्रीन कलर की है,
और तो मैं यहाँ पर अपने आई मेकअप में थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी यूज़ करूँगी, और मैं मिडिल में यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन, मैं मिडिल में यहाँ पर ग्रीन लगा रही हूँ इस तरीके से, और मैं इसको भी ब्लेंडिंग करूँगी, सिंपली इसको बस लगा के थोड़ा सा डैब डैब कर दूँगी, बहुत ज़्यादा इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी इस तरीके से। और उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ गोल्डन शिमर, और देख सकते हो आप इस तरीके से मैं अपने दोनों आईज़ पर लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आईलाइनर, और अपना आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर सेलो टेप लगा लिया था, उसकी वजह से आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आई मेकअप, और आपका लाइनर भी बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप सेलो टेप लगा के आप मेकअप करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप होता है आपका। और इस तरीके से मैं अपने दोनों आईज़ पर लगा लूँगी, और ये देखिए मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप हुआ है मेरा। और उसके बाद मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट का, क्योंकि मैंने पहले अपने बेस को सेट नहीं किया था, पहले मैंने अपना आई मेकअप किया था, सो मैं अभी अपने बेस को सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और अब मैं लगा लूँगी काजल, काजल में थोड़ा सा मोटा मोटा लगाऊँगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटा पतला जैसा भी आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से लगा लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा, इस तरीके से अपनी दोनों आईज पर मस्कारा लगा लूँगी। अच्छा, और मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करना भूल गई थी, सो मैंने यहाँ पर हल्की हल्की अपनी आईब्रो फिल कर ली है, और ये जो आईब्रो फिल करने की पैलेट है इसमें एक छोटा सा इस तरीके का कोम आया है, उसकी हेल्प से मैं इनको कर लूँगी सेट। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लशर लगा रही हूँ, और ये वाला शेड लिया है, बहुत ही लाइट शेड है ये, और बस मैं यहाँ पर ब्लशर लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा दूँगी अपनी चीक्स पर, अपनी नोज़ पर, अपने फॉरहेड पर, इस तरीके से मैं लगा लूँगी। और अब है मेकअप का लास्ट स्टेप, लिपस्टिक लगा लूँगी मैं यहाँ पर, और ये लैक्मे की लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी है ये, तो मैं इसको लगा लूँगी और हो गया मेरा मेकअप डन। और ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।